तो यो गाइस, आज हम लोग आ गए कौन डेली फ्रेश वीडियो में ऑफ डबल साइड गेमिंग। मैं हूँ डीएजी अभी, और अभी हम लोग M1014 को हरा के आए हैं गिल्ड वॉर में। और ये न्यू प्लेयर क्या जीत लेंगे भाई, ये डीएजी एंश प्रो और ये कभी नहीं जीत पाएंगे। तो आज हम फर्स्ट गन ओनली चैलेंज कर रहे हैं गाइस। आप में से किसी का एक चैलेंज आया था कि रैंक में कोई चैलेंज करो, क्लास स्क्वाड में ही करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे हम लोग क्लास स्क्वाड में इसलिए करते थे कि अभी हमारे पास गन्स की स्किन नहीं है, और बिना गन्स की स्किन के तो भाई कोई प्रो नहीं होता, मतलब कोई प्रो नहीं होता। वैसे भी देखो, आप खेल अच्छा लेते हो तो इतना भी मैं अच्छा नहीं खेल पाता कि बिना गन स्किन के हेड ही हेड बजाऊं यार, ये भी बात है ना। अभी मेरे पास MP40 की स्किन आई है, और अगर MP40 निकल आई तो भी मैं फर्स्ट गन ओनली चैलेंज ही करूँगा। कौन सी मिली है भाई? भाई प्लाज्मा म्यूजिक। तो गाइस अब हमारा होगा प्लाज्मा गन चैलेंज ओनली। देखते हैं बंदा आता है कि नहीं। आ जा चचा। पहली किल प्लाज्मा से गाइस। प्लाज्मा और AWM चैलेंज है गाइस। देखिए मुझे AWM मिली है। तो गाइस फर्स्ट टू गन्स चैलेंज था मेरा, कुछ अलग चैलेंज है क्योंकि मैं नूब प्लेयर हूँ गाइस, आप समझ सकते हैं। तो मैं पहले 150 का मार सकता हूँ, और फिर गाइस अपने प्लाज्मा तो है ही। तो गाइस अगर साइलेंसर और मिल जाता तो और काम का होता, लेकिन साइलेंसर नहीं मिला, कोई बात नहीं। उस बंदे की ही गलती थी, उसको मुझ पर रश नहीं मारना था गाइस, उस बंदे की ही गलती थी। तो गाइस यहाँ पे प्लाज्मा प्लस AWM चैलेंज हो चुका है यहाँ पे मेरा, और M500 मिली है। M500 चैलेंज थोड़ी ना करूँगा गाइस मैं, आप समझ सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे पहली किल हो चुकी है, और बंदे अलाइव है 42, और ये प्रज्वल 142। सो सेफ जोन आने के लिए सिर्फ 128 सेकेंड अलाउड है। तो गाइस क्या हम लोग बुआ कर पाएंगे या फिर न्यू प्लेयर बन जाएंगे? कुछ भी हो सकता है गाइस, किसको क्या पता भाई। लेवल 3 के बैग पुर्गेटरी में बहुत मिलते हैं। तो गाइस आपको अगर पता नहीं हो तो हमारी फैक्ट्स की वीडियो अभी एडिट हो रही थी, हम लोगों ने पहले एक दो दिन पहले डाली थी वो, जो कि अभी एडिट हो रही है। हमें गेम प्ले नहीं मिल रहा अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ ये गेम प्ले भी डाल दूँ इसी गेम प्ले पे वो फैक्ट्स की वीडियो। गाइस यहाँ पे हमारे जी फैक्ट्स की सीरीज चालू हो रही थी, अगर आप हमारे रेगुलर वॉचर हैं तो आपको पता होगा गाइस। तो चलो मैंने मशरूम खाता हूँ, मशरूम खा लिया मैंने। और अगर साइलेंसर मिलता है तो गाइस ओपी मैच होगा, और मैं जहाँ तक हूँ अगर मैंने टॉप 20 में आ गया तो मैं ही अपलोड कर दूँगा गाइस। नाराज़ मत होइएगा, मैं नूब प्लेयर हूँ वैसे भी गाइस, हर कोई अच्छा नहीं खेल पाता है भाई। वैसे ही देख लो लोकेश गेमर को, वो भी कितना ठीक ठाक खेल लेता है। मैं किसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी ठीक ठाक ही खेलता है गाइस, ना ओपी भी नहीं खेलता। कभी कभार वन टैप तो मेरे भी लग जाते हैं। तो गाइस ओपी सा मैच चला यहाँ पे, और मैं क्या करूँ। चलो उधर साइड जाता हूँ, उधर वाले घरों में, और अगर मुझे पड़ेगी तो फिर देख लेंगे बंदे को। भाई मुझे लग रहा था उसमें साइलेंसर था शायद, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर साइलेंसर नहीं भी है तो भी मज़ल तो है लेवल 3 की। चलो गाइस यहाँ मुझे इन्हेलर बहुत सारे मिल रहे हैं, और मेडी भी बहुत सारी, लूट एकदम भरपूर है, बस कमी है तो एक साइलेंसर की। बस एक या तो अपग्रेडर मिल जाता यार, यहाँ पे अपग्रेडर होता है। हाँ जी नहीं मिल रहा, फिर ये रहा अपग्रेडर। गाइस मेरी वेस्ट हो चुकी है फुल्ली अपग्रेडेड, दो गोली वाला आएगा तो कतई नहीं मार पाएगा गाइस, साथ मेडिकिट के साथ। और चलिए अपनी EP फुल कर लेते हैं, EP फुल कर लेते हैं अपनी। क्या हम लोग बुआ मार पाएंगे इस रैंक गेम में, और क्या हम लोग हीरो पहुंच पाएंगे? गाइस आपको पता नहीं है मैं डायमंड 4th के बिल्कुल लास्ट में हुआ गाइस,
आपको मालूम होगा मैं डायमंड फोर्थ के बिल्कुल लास्ट में और यहाँ पे बंदे हो सकते हैं, इसलिए मैं संभाल के चलूँगा गाइस। को एक तो फ्लैश बैंग या नीड फेंक देता हूँ। देखिए गाइस मैंने सारे नेड इस पे बर्बाद कर दिए, लेकिन कोई बंदा हेला फुटस्टेप भी नहीं आया मुझे। तो गाइस ऊपर कोई बंदा नहीं आया लगता मुझे। फिर इस ए डब्ल्यू एम चलाऊँ भाई, ओपी चलेगी आज ए डब्ल्यू एम, लेकिन साइलेंसर मिल जाता तो और ओपी लगता। गाइस साइलेंसर नहीं है अभी मेरे पास। वैसे भी कोई शॉर्ट रेंज इवेंट का चैलेंज होता मैं ख़त्म कर दूँगा, मतलब वैसे मैं सुबह से बना रहा हूँ ये वीडियो और अभी तक मैं इतना नहीं टिका। बस मुझे हर बार प्लाज्मा मिली है तो ये वीडियो मैं सबसे ज़्यादा देर टिक रहा हूँ और लग रहा है कि मैं भूया मार सकता हूँ। पिछली बार मैं शुभ के साथ बना रहा था और ये देखिए फ्रीज फ्रेम की प्रॉब्लम कब से आ रही है, ये मैं कल तक ठीक करूँगा अपनी। बस वेट करिए, ओ भाई मेरा बंदा लगता जाना पड़ेगा मुझे यहाँ से। बस मेरे ऊपर ही बंदा था देखो पड़ी, अब वो रश मारेगा मुझ पर देखना पक्का। आओ चचा इधर एक लैंडमाइन फिट करता हूँ मैं। बस यहाँ पे लैंडमाइन फिट करूँ क्या मैं? बस सही तो है लैंडमाइन, मैंने सही चीज़ फिट कर लिया। आओ ना आओ, अब मारो रश। हेडशॉट भाई, इसके पास ग्लू कितनी सारी थी और साइलेंसर नहीं है इसके पास, AWM ही है इसके पास। भाई साहब क्या ओपी मारा मैंने उसको। भाई एक और बंदा आ रहा है यहाँ पे, मुझे आवाज आ रही है भाई फटा। बस ओपी से चैलेंज चल रहा है भाई, दो किल हो चुके हैं। क्या हम लोग इस वाले बंदे को मार पाएंगे या मारे जाएंगे इसके हाथों? मैंने वैसे उसको पैक कर दिया है गाइस। अरे सॉरी AWM हट गई थी, थोड़े मैं हल्के से साउंड इफेक्ट्स बढ़ाता हूँ। हाँ आ रहा है, आ रहा है बंदा, आ रहा है। बंदा आ रहा है गाइस, बंदा नीचे कूद गया मुझे लगता है। वो लैंडमाइन से उसको कोई डैमेज नहीं पड़ा। गाइस क्या हम लोग इसमें बुया मार पाएंगे? मैं रश मारने की इसलिए नहीं सोच रहा क्योंकि यार उसके पास MP40 हुई तो मेरे पास लेवल 3 का हेलमेट तो है, लेकिन यार हो सकता है ड्रैग मारने वाला टॉप एजर हो। वैसे मेरी 2 किल तो हो चुके हैं गाइस, तो मैं क्या करूँ क्या करूँ। उधर से देखूँ क्या मैं, बंदा आ रहा है या नहीं? भाई वो निकल तो नहीं लिया, हो सकता है निकल लिया हो। देखो मैं सुनता हूँ ध्यान से, बंदा गाड़ी लेके आया एक, इधर गाड़ी। गाइस मैं सोच रहा हूँ चलूँ या चलो जय माता दी, कोई बंदा नहीं है यहाँ पे तो। भाई फिर से डेंजर, क्या हम लोग इस रैंक में इसमें भूया मार पाएंगे या फिर हमारी भी ऐसे ही हम लोग मारे जाएंगे जैसे वो मारा गया? भाई उसको तो मैंने बहुत ही ओपी वाला हेडशॉट मारा था। जो मैं सोच रहा हूँ ऊपर साइड चला जाऊँ फील्ड्स के, क्या आपकी राय है गाइस? चलिए ये पूरा फट जाए फिर मैं जाऊँगा ऊपर इसके।
और गाइस इसका लूट बॉक्स भी बहुत ओपी था यार। AWM तो है मेरे पास, डेजर्ट ईगल मिल गई और बस और कुछ नहीं चाहिए इसके लूट बॉक्स में से। मैडी भी साथ काफ़ी है गाइस। और ये ज़िपलाइन यहाँ कहाँ पे आ रही थी? हाँ ऊपर जाना है मुझे गाइस, मुझे ऊपर जाना है ताकि ऊपर से हेडशॉट बढ़िया लगे। गाइस मैं ऊपर के टावर में बैठूँगा। हाँ गाइस मैं ऊपर टावर में बैठूँगा, वो देखो वहाँ पे एक टावर होता है अगर आपको ना मालूम हो तो। यहाँ एक टावर तो होता है गाइस, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। तो क्या गाइस हम लोग पूरा कर पाएंगे इस रैंक मैच में? और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी गाइस। और यहाँ का वाला टावर कहाँ चला गया? वेयर इज़ द टावर? और जोन तो यहाँ बनेगी, चलो जोन में जाता हूँ। यहाँ कहीं टावर मिले स्नाइपर टावर तो मज़ा आ जाए भाई। बंदा ना मिल जाए, स्नाइपर टावर मांग रहा हूँ मैं। सिहा बहुत बढ़िया मार रहा है ये। वो रहा टावर भाई, देखो मैंने कहा था ना यार टावर होता है। लेकिन वहाँ से सब ऑल राउंड का कवर तो नहीं होगा गाइस, लेकिन मैं जोन में ज़रूर पहुँच जाऊँगी। बस उसमें कोई बंदा ना बैठा हो। लेकिन अरे साइड से मार रहा है, कौन मारा ये? गाइस एक और किल हो चुके यहाँ पे, 258 का शॉट पड़ा मेरा। गाइस देखा क्या ओपी किल्स कर रहा हूँ मैं AWM से, इतना ओपी उड़ा दिया मैंने उसको भाई। तभी कहते हैं साइलेंसर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाई मुझे यहाँ से सबका कवर दिख रहा है और फुटस्टेप मैं सुन ही रहा हूँ, बंदा नीचे से नहीं आ रहा। गाइस ओपी सा गेम चल रहा है यहाँ पे, क्या मैं बुए मार पाऊँगा? तो मैं उनकी भी कमेंट्स दिखा देता हूँ यहाँ पे जिसने मुझे कहा था, वैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी गिल्ड गाइस ज्वाइन करनी है डेविल गैंग, तो उसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। आपको गिल्ड्स पे सर्च करने पे सर्च करना है वहाँ पे 10064848389, वहीं पे आपको हमारी डेविल गैंग मिल जाएगी। और अगर ना मिले तो बार बार सर्च करिए, मिल जाएगी। और मैं इसकी UID स्क्रीन पर दिखा देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी आपको। और आपकी गाइस लेवल होनी चाहिए 30+, क्योंकि हम लोग टूर्नामेंट में भी लेते हैं अपनी गिल्ड को। और DSG होना चाहिए आपके नेम के आगे, जैसे मेरा DSG अभी है। अभी शुभ के पास डायमंड्स नहीं है इसलिए उसने नेम चेंज कार्ड नहीं ख़रीदा है, अभी वो ख़रीद लेगा। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर ही ऊपर से घूम के चले जाऊँ, लेकिन यहाँ बंदे आएंगे। गाड़ी वाला देखो, एक गाड़ी वाला। तो यहाँ से गाइस बंदे आएंगे कैंप साइड से, और जब शीटिंग होने लगी तब मैं जाऊँगा। वैसे भी मैं जोन के अंदर हूँ भाई। DC भाई एलिमिनेट हो गए, 13 बंदे अलावा। क्या गाइस हम लोग भूया मार पाएंगे या उधर से टपक जाएंगे? भाई आज सुबह मैं एक नए गेम खेल रहा था, उसमें मैं जा रहा था, बंदे ने 150 के अचानक से 2 बजा दिए साइलेंसर से। मैं देखता ही रह गया भाई, मैंने सोचा क्या यार अज्जू भाई था क्या? AWM इतनी OP कौन चलाता है? तो गाइस मैं भी इतनी OP AWM नहीं चलाता, लेकिन उसको तो मैंने एम करके मारा था। गाइस बैठ के कभी नहीं लगाना चाहिए पेड़ के पीछे, वो पेड़ के पीछे हर जगह से दिख रहा होता है, वो सामने का ही कवर होता है और हल्का हल्का सा दिखता भी है सामने वाले को। अगर अच्छा बंदा होगा तो वो आपको पेड़ के पीछे मार देगा। तो देख सकते हैं आप फ्रीज फ्रेम हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो 6 सेकेंड रह गए, तो मैं यहाँ से पीछे निकल लूँगा। मैंने रूट देख लिया अपना, साइड में ही निकल लूँगा मैं ताकि पड़े ना मुझे। लेकिन यहाँ अगर बंदे देखेंगे तो मैं मार दूँगा। तो गाइस बंदे कहाँ हैं? क्या मैं 4-5 किल कर पाऊँगा इस मैच में? भाई HNT से आप बहुत ओपी बंदा है, MP40 चला रहा है भाई। ये गया, ये मर गया गाइस, आप देख सकते हैं। अब भाई सिर्फ 10 बंदे अलाए हुए हैं जिसमें सारे सोलो हैं। भाई मैं सोलो में ही बहुत टफ है यार कोई गन का चैलेंज करना। प्लाज्मा ओनली चैलेंज तो बहुत ही टफ था, तो मैंने फर्स्ट 2 गन चैलेंज कर लिया, क्योंकि मुझे फर्स्ट 2 गन मिली थी। पहले प्लाज्मा मिली थी, प्लाज्मा से मारा, फिर AWM मिली, उससे पहले मुझे कोई गन नहीं मिली। तो बस अगर यहाँ बंदे हुए तो मैं सोच रहा हूँ निकल लूँ। क्या वो जा रहा है एक बंदा,
रोने भाई मरता क्यों नहीं? Why are you rot? भाई देखा आपने डो 150 के पड़ गए उसको, ग्लू बजा ली उसने। गाइस यहाँ पे उसने ग्लू बजा ली पता नहीं क्यों, और वो बंदा एलिमिनेट हो गया। गाइस क्या मैं उस पर रश मार दूँ? मैं सोच रहा हूँ मार दूँ यार रश, थोड़ा पेशेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। पहले इस वाले बंदे को निपटाता हूँ, इस साइड में बहुत खुदक रहा है। मैंने गन कैसे चलाई भाई? एक और ख़त्म, और मेरे एमओ हो चुके हैं यहाँ पे ख़त्म। मैं जल्दी से जाके हील करता हूँ। भाई पूरा हेलमेट तोड़ दिया बंदे ने। तो गैस मेरी हो चुके हैं यहाँ पे 4 किल, बंदे अलाइव है 7। भाई वो बंदा ने मुझे पूरा ख़त्म ही कर दिया था यार लगभग। अब मैं ऊपर तो जा नहीं सकता गैस, तो मैं इन घरों में जाता हूँ। बस ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर से बंदे तो आ रहे हैं। चलो मैं फ़ायदा ले लेता हूँ। क्या मैं फ़ायदा ले सकता हूँ गैस ऊपर से? गैस मैं लेने की कोशिश करता हूँ। प्लाज्मा में 0 वो है गैस। गैस यहाँ पे मेरे लिए और जोन आ रही है भाई, पीछे से और पड़ने लगी। मुझे परमानेंट कवर में जाना पड़ेगा गैस, नहीं तो मेरे यहाँ पे गोभी खुद जाएगी। गैस चलो तुझे छोड़ दिया मैंने, चलो लेकिन उसको मैं एम लगा के मार सकता हूँ गैस। भाई गोभी पहन ली, बच गया भाई, बच गया। मैडी मार डीएजी अभी। चलो पीछे साइड घूम के चलते हैं, इधर एयरशिप गिरी हुई है। भाई साहब क्या ओपी सा मैच चल रहा है यहाँ पे, ओपी सा मैच चल रहा है यहाँ पे। भाई ये वीएसएस कहाँ से आ गई? भाई मेरी प्लाज्मा कहाँ गई यार? गलती से मेरी प्लाज्मा छूट गया, मुझे ओनली AWM से मारना पड़ेगा यार। क्या करूँ यार मैं अब? अच्छा पेड़ का कवर लेगा नूबरे, मैंने कहा था हल्का हल्का दिखता है पेड़ में। नूबरे निकल, चल तू अब निकलेगा बे। भाई साहब अगर मेरे पास AWM ना होती ना तो अभी तक ये मर चुका होता गाइस। चलो ट्रीटमेंट गन से मारता हूँ उसको। म्यूजिक भाई फ्रीज फ्रेम हो गया, देखो इतनी देर में मेरा फ्रीज फ्रेम हो गया गाइस। तो उसकी हो चुके यहाँ पे बुआ नहीं हुई। तो गाइस यहाँ पे ये फ्रेम फ्रीज ना होता ना तो मैं ट्रीटमेंट गन से इसको लपेट देता, सही में लपेट देता। 3 की वेस्ट थी इसकी, ये 3 की वेस्ट थी, ये जीतेगा मुझे मालूम है भाई। अभी अगर मेरे पास कोई गन होती ना तो मैं पक्का जीत जाता। गया ये, गई है ये जीतेगा। ओ भाई मैंने कहा था ये जीतेगा। बस यहाँ पे इसकी उठे बुआ, चलो मेरी प्लाज्मा लास्ट में गिर गई थी गाइस, नहीं तो मैं जीत सकता था। चलो गाइस